नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, काफ़ी अच्छी खबर है। खबर ये है कि BHU के द्वारा जो प्रिफ्रेंस है वो लॉक्ड किया जा रहा है, यानी कि सारे बच्चों ने जो प्रिफ्रेंस एंट्री किया था उसको BHU के द्वारा लॉक्ड किया जा रहा है, यानी कि उसको कंप्लीट किया जा रहा है BHU के द्वारा। अब आपके प्रिफ्रेंस एंट्री को चेक किया जा रहा है। तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या ऐसा होने से मेरा एडमिशन पक्का हो जाएगा? जिनके कम मार्क्स हैं वो लोग भी ऐसा सोच रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहें। जैसे कि कल मैंने रात में ही बता दिया था कि कल से प्रेफरेंस वगैरह आप लोगों का लॉक्ड होने लगेगा, और आज से होने लगा है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, तो आप लोग उसके बारे में ना जानिए कि मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ भी न्यूज़ दूंगा आप लोगों को, सटीक और सही न्यूज होगा। मैं कोई भी आपको फालतू का न्यूज़ नहीं दूंगा जिससे कि आप परेशान हो, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब आप हमारे वजह से या हमारे किसी खबर के वजह से परेशान हो। तो हमारे द्वारा जो न्यूज़ दी जाएगी वो बिल्कुल सही और सटीक न्यूज़ दी जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि पोर्टल पर जो वहाँ पर शो हो रहा है आखिर उसका मतलब क्या है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो जब आप यहाँ से अपना पोर्टल ओपन करेंगे, यहाँ से जब साइन इन करेंगे आप अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डालकर, तो यहाँ पे प्रेफरेंस लॉक्ड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट दिखा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रेफरेंस लॉक्ड कंप्लीट का मतलब ये हुआ कि आपने जो प्रेफरेंस भरा था उसको BHU ने चेक कर लिया है, यानी कि आपने जो प्रेफरेंस भर के दिया था उसको BHU ने चेक करके उसको कंप्लीट कर दिया है, यानी कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके प्रेफरेंस एंट्री में। तो जिनका भी कंप्लीट दिखा रहा होगा तो समझिए आप एक जो आपका एक प्रोसेस है उससे आप गुजर चुके हैं। अब अगले प्रोसेस का इंतज़ार करना होगा। वेरिफिकेशन में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर रिजल्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों को होने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न चलेगा कि क्या अब ऐसा हो रहा है मेरे पोर्टल पर तो मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो नहीं। एडमिशन के बारे में कब आपको क्लियर हो गए? जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तभी आप एडमिशन के बारे में क्लियर हो पाओगे कि आपका एडमिशन हो रहा है कि नहीं। अभी ये सारी चीज़ें सारे बच्चों के पोर्टल पे दिखाई जाएंगी, सबके पोर्टल पे शो होगा जैसे जैसे यहाँ पे अपडेट होते रहेगा। तो आप लोग बार बार अब अपना पोर्टल चेक करते रहें ताकि कुछ भी अपडेट हो तो आपको पता चलते रहे। तो जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता है, जब तक कट ऑफ वगैरह नहीं आ जाता है, तब तक आप कोर्स एलोकेशन वगैरह नहीं कर पाओगे। यानी कि जब मेरिट लिस्ट आएगा तभी आप कोर्स एलोकेशन कर पाओगे। और आज JNU के द्वारा भी मेरिट लिस्ट आना है, तो आप लोग JNU का भी जो पोर्टल है JNUE.JNU.AC.IN उसको भी बार बार विजिट करते रहें, उसको भी चेक करते रहें, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अभी आप लोग अपना पोर्टल चेक कर लें BHU का कि आपका जो प्रेफरेंस लॉक्ड है वो कंप्लीट दिखा रहा है या नहीं। तो ये एक अच्छी खबर है, और ऐसे ही तमाम प्रकार की जानकारी मैं आप लोगों को देते रहूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।